यू कैन सी ओवर देयर गाड़ी फंस गई थी अभी आगे भी, और ऐसे पैच हर जगह हैं, आपको हर जगह टीले देखने को मिलेंगे। एंड हियर इज सम पीपल आस्किंग अबाउट माय बाइक प्राइस। लास्ट विलेज एंड द लास्ट स्टेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि पूरी बॉडी मेरी डिहाइड्रेट हो चुकी है, बट ग्लोरी के लिए कुछ भी। सो अभी जोधपुर से लगभग 45 किलोमीटर्स पहले हैं, और बाड़मेर की तरफ रूट करने वाले हैं अपन। गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी एक्सपेक्ट करी थी, बट आगे बहुत गर्मी मिलने वाली है। अभी अपन नॉन स्टॉप जयपुर से आ रहे हैं, बीच में कोई हॉल्ट नहीं लिया अपन ने। देखते हैं, अभी टाइम कम है क्योंकि 24 आवर्स में वापस जाना है, तो अभी निकलेंगे यहाँ से और दूसरी जगह अपन ब्लॉक शुरू करेंगे। So look at this. This is the best highway in India. This is Barmer Jaisalmer Highway. और कहीं भी आप नज़र देखें दूर तक, आपको कहीं कोई गड्ढा नहीं मिलेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस बाइक उठाएं और निकल जाएं जहां आपकी मर्जी हो। यही है राजस्थान। तो बहुत टायरिंग डे था, बहुत ख़तरनाक वाली राइड करके आ रहा हूँ सुबह से, मतलब बाइक चलाया जा रहा हूँ। 7:40 अराउंड मैं जयपुर से निकला था, और लगभग 650 किलोमीटर्स मैंने कर दिए हैं, और टाइम अभी हो रहा है 3। लगभग अगर आप देखेंगे तो 2 घंटा 10 मिनट अभी भी दिखा रहा है, और ये है 122 किलोमीटर्स मुनाबाव अभी यहाँ से। तो एक्सट्रीम समर राइड, जैसा कि नाम से जाहिर था वैसा ही हो रहा है, अभी एक्सट्रीम हो रही है हर लेवल पे। और अभी मौका मिला है तो मैं फेस वॉश कर लेता हूँ अपना। देखिए, जब भी आप राइड करते हैं तो ये एसेंशियल चीज़ें हैं आपके लिए। आप हमेशा अपने साथ एक फेस वॉश ज़रूर रखें, उससे क्या होगा आप बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। तो पिछले 7 घंटे से मैं बाइक चला रहा हूँ, और पेट्रोलिंग के अलावा मैंने अभी तक कहीं पे हॉल्ट नहीं लिया है, तो ये बहुत ज़रूरी था यार, और अपन ने कर लिया है। अब मिलेंगे फिर आगे। फाइनली तो यहाँ है हमारी मैगी, 2 मिनट मैगी, क्योंकि टाइम बहुत कम था और टाइम वेस्ट करना नहीं है। और यहाँ मंगवाई हमने कॉफ़ी, बाड़मेर में कॉफ़ी मिल गई, और अभी यहाँ अपना फिनिश करके मील हम लोग मिलते हैं। इनक्रेडिबल इंडिया एंड इनक्रेडिबल राजस्थान। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मुनाबाव के लिए, और आप देखेंगे तो स्ट्रेट रोड है बिल्कुल, बट धूप बहुत ज़्यादा है। लगभग 53 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, और दूर तक देखो आप तो मिट्टी, सड़कों पर भी मिट्टी है। इवन यहाँ टर्फ पूरा ढक चुका है मिट्टी में। एंड यस ऑफ कोर्स, जैसा मैंने मेंशन किया था कि ये राइड होने वाली है सेव वाटर और वाटर कंजर्वेशन अवेयरनेस के लिए। तो देखिए, वाटर की अहमियत देखिए आप, कि यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो ना खेती है ना बाड़ी है और ना ग्रीनरी है,
सब डिपेंड है। सो शाम के बजने वाले हैं 4 और फाइनली मैं पहुंच गया हूं मुना भाव, जो कि है लास्ट विलेज ऑफ इंडिया एंड द हॉटेस्ट प्लेस इन इंडिया। एज यू कैन सी सब कुछ खाली है, दिस इज द लास्ट विलेज। मुना भाव चलिए वापस चला जाए। चलते हैं वापस क्योंकि परमिशन नहीं मिला, बट अनफॉर्चुनेटली अभी चलना पड़ेगा क्योंकि बहुत रेयर चांस में अपने को परमिशन मिलती है। धूप में बिल्कुल सूख के छुआरा हो चुका हूँ मैं, और मुझे पता है मेरी हालत अभी ठीक नहीं है क्योंकि पूरी बॉडी मेरी डिहाइड्रेट हो चुकी है, बट ग्लोरी के लिए कुछ भी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर माय पैशन। चलिए गाइस अब यहाँ से इजाज़त लेंगे क्योंकि अब वापस निकलना है जयपुर के लिए। नाउ टाइम टू गो होम, अब चलते हैं वापस मुना भाव से जयपुर।